5G लगा के करना क्या है कि जी हमारा DNA चेंज कर ले तो अच्छा है कर दे हाँ. या फिर ये कि जी ये हमारा टैलेंट निकालेंगे. वो क्या टैलेंट निकालेंगे? वो पाए खाते हुए हड्डी से किस तरह गूदा खींच लेते हैं, कैसा सक्शन मशीन है इनकी. 2 billion years ऑफ एवोल्यूशन एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ अ स्प्रेडशीट. वो स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट हुई भी उसकी लाइफ के यार मैं माँ को संभालूँ या बीवी को संभालूँ. वो कहते ना माँ बिठा के समझाती है, बीवी लिटा के समझाती है. अस्सलाम वालेकुम. बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी में आप सबको अली आफताब सईद की तरफ से एक हसीन वेलकम. हुस्न का देवता तो स्टेज पर आ चुका है, देवी किधर है? ऋषम फैज भुट्टा. चुरा लिया है तुमने जो. मेरी ख्वाहिश तो है कि तुम डाके भी मारो, लेकिन पत्नी तुम पूरी नहीं कर रही. तो ऋषम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है तुम आज. थैंक यू. लेकिन आज जो हमारे गेस्ट है ना, उनके हुस्न के लश्कारे के आगे तुमने भी मान पड़ जाना है. कॉमेडी का भरम एक बार फिर आते हैं जुनैद अकरम. जुनैद, मैं मौका देता नहीं हूँ लोगों को बार बार आने का, लेकिन पब्लिक डिमांड बहुत थी, तो कैसा महसूस किया है पिछली दफ़ा के बाद से? सर बड़ा मोहब्बत है और मैं तो कॉमेडी सिटी का फ़ैन हो गया हूँ. बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स आपने इतने ऑप्टिमम रखे, मेरे तो जाने को दिल ही नहीं कर रहा. जब से शहरियत मिली है मैं तो इधर ही का होके रह गया. वाह. और तुमने आए जब हो तो किसी ने तुमसे किराया तो नहीं लिया? उल्टा दे रहे हैं लोग, यहाँ तो कहते 2 जुकते सुना दो हमसे पैसे ले लो. तो यहाँ तो मेरा खर्चा ही कुछ नहीं हो रहा, उल्टा कमा रहा हूँ मैं यहाँ तो. बेहतरीन मतलब गंदमी रंग होने के साथ साथ तुम गोरा गोरा महसूस कर रहे हो. बिल्कुल ऐसा, जैसे बाहर के व्लॉगर नहीं होते जो आते हैं और उनको हर चीज फ्री में मिल रही होती है, तो मैं यहाँ का गोरा व्लॉगर बना हुआ हूँ. इवा जुबैक कह सकते हैं आप मुझे. बिल्कुल ठीक है. हालांकि ना तुम गोरे हो ना तुम्हें कोई ऐसी चीजें लगी हुई है जिसकी वजह से लोग तुम्हें डिस्काउंट दें. बिल्कुल ऐसा है. तो ऐसा करते हैं कि बाकी बातें बैठ के करते हैं, क्योंकि मतलब हमें पैसे तो नहीं मिल रहे खड़े होने के. ऐसा ही है. आ जाओ ऋषम. जुनैद दूसरी दफा आए हैं, पिछली दफा तुमने इनको इजी छोड़ दिया था, इस दफा जरा टफ स्पॉट में रखो. तो आप कौन से टफ स्पॉट में आना चाहते हैं? स्पॉट तो बहुत सारे हैं जहाँ आना चाहते हैं, मिलते नहीं है क्योंकि गूगल मैप वहां तक की रसाई नहीं है. ट्राई कर. टेक्नोलॉजी अभी तक वहां तक नहीं पहुंची. नहीं पहुंची. आपको पता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग वैक्सीन के खिलाफ हैं. बिल्कुल. तो ये जो कोरोना की वैक्सीन है, ये इसके थ्रू वेस्ट हमारे अकदार लेके जाना चाहता है. मुझे समझ नहीं आता. कहते जी 5G की चिप लगेगी, तुम्हारा 2G पूरा आता नहीं है. 5G लगा के करना क्या है कि जी हमारा DNA चेंज कर ले तो अच्छा है कर दे. अगर इस DNA से ये रिजल्ट है 70-80 साल में या 500 साल में, तो अच्छा है चेंज कर दे, शायद कुछ अच्छा ही हो जाए. या फिर ये कि जी ये हमारा टैलेंट निकालेंगे. वो क्या टैलेंट निकालेंगे कि चारपाई कैसे बनते, ये टैलेंट निकालना है. या सूंघ के कैसे बताते हो खरबूजा फीका या मीठा है, ये टैलेंट है. या जी वो पाए खाते हुए हड्डी से किस तरह गूदा खींच लेते हैं, कैसा सक्शन मशीन है इनकी, ये चाहिए उनको. क्या कि भाई ये इनकी मतलब एवी कहते हैं यार कि हम लोग जो है ना एंटी क्लाइमेट हैं. हमने जितने ग्लोबल वार्मिंग पे हमारा इतना ज़बरदस्त काम है कि दुनिया में तो सिंगल यूज प्लास्टिक है जी. क्रोसां लिया साथ में प्लास्टिक लिया बाहर आके फेंक दिया. हाँ. ओ भाई क्रोसां ऐसे ही ले आता, ठीक है ना. हम तो जी थैलियों, हमारे हर किचन में एक थैली होती है जिसके अंदर बाकी थैलियां. हाँ. हम तो फेंकते ही नहीं थैलियां. ओ भाई रबर बैंड जो सिंक का नलका होता है उस पे इतने रंग बिरंगी रबर बैंड होते हैं, जैसे वो थर की औरतें जो चूड़ियां यहाँ तक पहनती हैं, वो लगता है नलका वली में बैठा है, हार पहने हुए उसने. वो फेंकते ही नहीं हम रबर, ना हम रबर फेंक रहे हैं ना हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं. शैम्पू खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ. स्टेट ऑफ माइंड आपकी नहीं खत्म हुआ. पानी डाला खसड़ छड़ फिर शुरू हो गए. साबुन खत्म हुआ, नहीं जी दूसरी के साथ जोड़ दो चलाओ. नहीं फेंक रहे, वेस्टेज ही नहीं. आइसक्रीम के डब्बे में कब आइसक्रीम आई हमें पता ही नहीं चला, हमेशा दाल ही देखी है. बिस्किट के डब्बों में सुई धागा वो नहीं फेंकते हम. उसी डब्बे में कोरमा डाल के हम भेजते हैं मामी के घर. मामी कोरमा खाली करती है और कोरमे की जगह हलीम आती है, वो फलाने के घर जाती. डब्बा भी बोलते हैं यार मैं जिस काम के लिए हूँ वो तो डालो मेरे अंदर, उसके अलावा हर चीज डल रही होती. हाँ. और डब्बा पूरे खानदान में घूम रहा है, उसके पास पूरे खानदान की गौसे पे इनके यहाँ क्या क्या चल रहा है. अच्छा लेकिन याद रहता है मामी को
दोनों सफेद डब्बे हैं ऑरेंज ढक्कन वाले, उनको पता है कि ये फुफो का है और ये खाला का है। यार समझ से भाग। दूसरा ये जो आपने बीच में थर की खवातीन का जिक्र किया ना, यहाँ यहाँ तक चूड़ियाँ, तो वो एक एग्जीबिशन में गए तो वहां पे गोरा भी आया, तो वो दो खवातीन ऊपर तक घड़े सर के ऊपर और यूं चूड़ियां और वो यूं चलती हुई आ रही है रेगिस्तान में से, तो गोरे ने कहा कि क्या कल्चर है आपका। तो हमारे एक और दोस्त ने कहना है सारा कल्चर दो टूटियां दी मारे। अच्छा जो वैक्सीन है ये सबसे पहले लग रही है 60 साल वालों को, तो उनसे क्या लेना है, ये टाइपराइटर कैसे चलता है, या जी भाई का प्लॉट कैसे खाना है, सऊदी वाले जो भाई आते हैं 30 साल लगा। अच्छा ये बड़ा यहाँ पे कल्चर है, भाई एक भाई बाहर है पीछे सारे बैठे हुए, वो वेट कर रहे हैं कि रिटायर होकर वापस आएगा तो उसकी जमीन हथियानी है, क्या ये इकदार लेके जानी है बिल गेट्स ने, या जी कजन मैरिज लेके जानी है, क्या लेके जाना है उसने अमरीका, मुझे समझ नहीं आता क्या टैलेंट है वो जो हमसे छीनना चाह रहे हैं। टैलेंट मैं आपको बताता हूँ क्या। एक भाई घर बेच के खा गया दूसरे भाई का, सही, ये असल वाक्य। तो उसने खत लिखा एक, और उसने खत में ये लिखा कि मुझे तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी, और मैं पुलिस वगैरह पे तो नहीं जा सकता क्योंकि अपना टिड नंगा करने वाली बात है भाई के खिलाफ पुलिस में जाना, लेकिन ना मैं तुमसे कता ताल्लुक करता हूँ। सही। उस पे उस भाई का वापस फोन आया जिसमें उसने कहा फिर पैसा ही सब कुछ होता है। ये तब से जो लोग इस वाक्य को जानते हैं उनकी जिंदगी में ये बड़ा डायलॉग है कि कोई भी अगर आप भंड मार दो और अगला नाराज हो जाए तो आप आगे से को फिर पैसे ही सब कुछ। तो ये है हमारा टैलेंट। अच्छा तो ये जो टीवी का कंटेंट बन रहा है ये वैसे देखता भी कौन है, मतलब जिसकी मजबूरी है, जिसको जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ पीटीवी नेशनल चैनल है ना, पीटीवी पे जो कंटेंट बनाता है वो क्या खुद पीटीवी देखता है? नहीं, वो नेटफ्लिक्स देख के आ रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इनको ये चेपो। यार वैसे पीटीवी कभी जाओ ना बड़ा डिप्रेशन होता है। टाइम ट्रेवल कर लिया 1700 में आ गए ये बड़े वाले कैमरे। अच्छा मैं एक मॉर्निंग शो में गया पीटीवी में, तो अब वो जाहिर है ओल्ड स्कूल। अच्छा जी आप कौन है? मैला जी आपने ही बुलाया है तो आपको पता होना चाहिए कौन है। चलो खैर है कोई मसला नहीं है। फिर मैं बैठा हूँ, अच्छा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, ऐसे मेरे कान में ना आवाज़ आ रही हल्की हल्की धीमे धीमे म्यूजिक की। मैं समझो कोई म्यूजिक का शो दूसरे स्टूडियो में हो रहा होगा। पता चला वो एक अंकल डेजिग्नेटेड है, वो अपना लगे हुए, बात कुछ और हो रही है, वो जी बिथोवेन अलग चल रहा है अपना। वो एक अजीब सा ना आ रहा है वो जो हमेशा आपने पीटीवी के प्रोग्राम्स में देखा होगा, बच्चों के प्रोग्राम में एक बबल लगा हुआ पुराना, वो कैसी हो भी नहीं, वो कैसी हो वो है। यामाहा वाले भी आके बोले भाई खुदा को मान लो यार, अब कोई नया ही ले लो, यही पकड़ लो, साथ में बाइक भी ले लो हमारी। अगर आप उनके मॉर्निंग शो में गए ना, तो जो प्राइवेट चैनल के मॉर्निंग शोज है ना जिसमें शुरू होते हैं इतने चिरपी के, अस्सलाम वालेकुम कितना मजा आ रहा है। अच्छा पीटी वाले ना जिंदगी से आवाज आ रहे हो हमारी तरह के, यार ठीक है चलो ठीक है, वो सुबह हुई है, नवा दिन चढ़ गया है, ए भी हो जाए लंगड़ा जिमे पिछला सी। वो ये मुझे बात पसंद है भाई। हम जब यूट्यूब शुरू किया था तो टीवी के बड़े बड़े नाम कहते थे कि ये क्या चावल है भाई, असल चीज टीवी है, इधर आओ। हमने नहीं जी वो आपका फोल्ट है, आप उधर ही करें, हम यही कर लेंगे। अब जो है उन सबके यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब ने जो है नंगा कर दिया सबको। और सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना मुझे टीवी चैनल्स को, चूना लग रहा है कि उन्हीं के एंकर ज्यादा मजे का शो घर जाके अपने YouTube पे करते हैं। ये वही बात हो गई कि जी टीचर जो है ना आधा सबक पढ़ाती है स्कूल में, कहती फिर बाकी ट्यूशन में पढ़ा, अच्छा वाला वहां पढ़ाती है। जो आंटियाँ होती हैं वो अंकलों के साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी गुजारती हैं और फिर एंड पे आके उनके मियाँ मर जाते हैं, तो उसके बाद वो अकेले होती हैं, तो वो तो बड़ा ख्वार होती हैं। तो ये बंदे जल्दी मर क्यों जाते हैं यार? सारा टेंशन ही इन्होंने पाली हुई। देखे ना ये लोग गेम समझ नहीं रहे कि जो डिपेंडेंसी से हटना है और अगर आपने इक्वल पावर्स देनी है ना दोनों साइड को, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगी टेंशन होगी और स्ट्रेस की। इन्होंने बोला नहीं जी तुम घर पे बैठो फिर सारी टेंशन मैं पालूंगा, फिर वो टेंशनों में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। घर से बाहर निकले जी ट्रैफिक की टेंशन, बिल की टेंशन, सारे काम मर्द नहीं करने, औरत को जी बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा जी सब्जी वाले से सब्जी ले लो, या तांबे वाले जो आते हैं जी चूल्हा सही करा लो, प्रेशर कुकर आ दे, बटन लो आ लो, बस इससे ज्यादा दीन ही है।
तो फिर जो है ना सारी टेंशनें पालेंगे तो फिर आप कैसे जिंदा रह सकेंगे। ऑफिस की टेंशन, ऑफिस की पॉलिटिक्स अलग है। अच्छा फिर ऑफिस जाके भी मैंने भी ये भी बड़ा नोटिस किया है, वो सास बहू की बनती नहीं है, दोनों लड़ती हैं, फिर दोनों अपने कमरों में जाती है, तो फ़ोन ने तो बेड़ा गर्क किया ना, दोनों अपने कमरों में जाती हैं, पहले माँ बेटे को फ़ोन करती है तेरी बीवी ने ये बोला, फिर उधर से बीवी बोलती है तेरी माँ ने मुझे ये बोला, वो कहता है यार मैं स्प्रेडशीट खोल के बैठा हूँ 2 billion years ऑफ एवोल्यूशन एंड हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ अ स्प्रेडशीट। वो स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट हुई हुई उसकी लाइफ के यार मैं माँ को संभालूँ या बीवी को संभालूँ। वो कहते ना माँ बिठा के समझाती है, बीवी लिटा के समझाती है, तो वो भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है लोगों में यार किसकी बात मानूँ किसकी नहीं मानूँ। घर आके ऑफिस की टेंशन, ऑफिस जाके घर की टेंशन, और सड़क पे तो है ही टेंशन। ठीक है, तरतीब हमारी जिंदगियों में भी नहीं है और फिर मौत के बाद भी नहीं है। जैसी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां आपको सड़क पे मिलेंगी, फिर कब्रें भी वैसी टेढ़ी मेढ़ी। तरतीब नहीं है हमारी जिंदगी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि मर्द पे ज्यादा शायद प्रेशर होता है, लेकिन बहरहाल किसी के साथ भी आप रहो तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है, तो ये भी खत्म हो सकती है क्योंकि मर्दों की मजबूरी है, उनका गुजर बसर नहीं होता लड़कियों के बगैर। लड़कियां मर्दों के बगैर बड़े आराम से रह लेती हैं। वो मैन चाइल्ड होते हैं ना कुछ मर्द, बल्कि ज्यादातर मर्द, तो कहते हैं ना हमारे माशरे में जो है ना सब कॉन्टिनेंट में मर्द को ना बीवी माँ जैसी चाहिए थी, जिसका आते जाते थोड़ा टच भी कर सके। जो आपने बात की खुश है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर ये कि फिर वो शिकायतें किससे करेंगी, क्योंकि वो सारा दिन का जो जमा होता है ना शाम को, जो तुम्हारी माँ ने ये बोला, तुम्हारी बहन ने पाए भेजे थे, और जब मैंने डब्बा भेजा था और डब्बे में इतना खीर नहीं आई थी, ये नहीं आता, वो किधर करेंगे। तो वो खवातीन का ना पोर्न होता है, तो उनको वो चाहिए होता है, तो वो फिर जब बंदा ही माइनस हो जाए, अच्छा उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसके बहुत सारी चीज़ें अफिलिएट, वो बहुत सारे काम निकलवाना चाह रहा होता है, तो वो सुन भी रहा होता है, चलो ठीक है जी चलो सुना दो, और वो बस एक कान से सुन के और उसी से ही उड़ा रहा होता है। आप थोड़ा रिपीट करवाए ना, ये मैं टिप दे रहा हूँ खवातीन को, जब भी आप किसी कोई बता रही हो ना अपने हस्बैंड को डिटेल अबाउट योर डे या कोई कोई किस्सा कोई वाक्या, बीच में बोले ज़रा बताना मैं किसकी बात कर रही हूँ, फौरन पकड़ा जाए। नहीं सुन रहे होते, दे जस्ट प्रिटेंडिंग कि हाँ अच्छा, ओ रियली अच्छा अच्छा। मर्दों के लिए टिप कि अगर खातून आपकी जो है मंगेतर है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है बीवी है, वो अगर कहानी सुना रही ना, तो आपने बस ये चार चीजें बोली, ओ अच्छा रियली, ओ वाओ ओके, ये बस आपने ये इसका लूप चला के रखना है, और बस खुदा से दुआ करनी है कि वो काउंटर क्वेश्चन ना आ जाए कि मैं बात किसकी कर रही हूँ, वहां फड़े जा रहे हैं। मेरा जो थीसिस है ना अब तक का, दो फैसले होते हैं इंसान की जिंदगी के पास, ठीक है, विच कैन मेक और ब्रेक हिज लाइफ और हर लाइफ, ठीक है, और एक होता है आपकी तालीम का, दूसरा है आपकी शादी। अगर तो ये दोनों चीज नहीं है ना, तो आप चाहे जेफ बेजोस भी, क्योंकि इंसान जो है ना एट द एंड मांगते पीस ऑफ माइंड, अगर पीस ऑफ माइंड है तो सही है, नहीं है तो आप जेफ बेजोस भी हैं, आपकी तलाक हो जानी है, ठीक है, तो ये दो डिसीजन आपकी लाइफ मेक और ब्रेक करते हैं। और पाकिस्तान में 99.8% लोगों के पास ये दोनों डिसीजन ही नहीं है, हाँ। ना उसके पास अपनी तालीम का डिसीजन है, ना उसके अपनी शादी का डिसीजन, तो उसके पास बचा ही क्या। अब वो एक बेवकूफ, मतलब वो उसको बनना था आर्टिस्ट, उसको आपने बना दिया इंजीनियर, अब वो बैठा है जी नट बोल्ट लेके और वो यूं तक रहा है, और जो है उसकी शादी उसको प्यार किसी और से था, या उसके जो भी उसके जहन में था एक एक रोल मॉडल अबाउट हिज पार्टनर, आपने जी खाला की लड़की पकड़ा दी उसको, मतलब वो अलाइंड ही नहीं है आपके साथ किसी टॉपिक पे, उसको चार टॉपिक्स के अलावा बात ही नहीं करने आती, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं है, तो वो फिर बोर होता है, वो कहता है फिर वो फिर ट्रीट करता है कि चल तू खाना ही बना ले, फिर तू मेरे कपड़े इस्त्री कर ले, मेरे जूते मोजे का ख्याल कर ले, बस फिर उसको वहीं तक रखता है। तो फिर वो 30 के बाद जो है ना, इसलिए वो चला जाता है डिप्रेशन में, यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हैंड हुआ है, क्या मैं दुनिया में स्प्रेडशीट खोलने आया था, डॉक की फाइल जो है PDF करने आया था, क्या यही मेरी जिंदगी है, और फिर इसी वजह से फिर डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसका जवाब वैसे ये है कि हाँ यही है तुम्हारी जिंदगी। और इस पे हम ऑडियंस से भी सवाल ले लेते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि जब हम लड़कियों से ये कहते हैं, सच बात करना चाहते हैं कि यार देखें हम सिर्फ फन चाह रहे हैं, आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय करें, तो वो उस बात के ऊपर कहती हैं कि नहीं जी हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं चाहिए, हमें तो कमिटमेंट चाहिए, तो उसके ऊपर अगर हम झूठ बोलें तो फौरन से पहले हर चीज़ के लिए मान जाती हैं, जैसे कि मैं उन्हें कहूँ जीना मरना सब कुछ आपके लिए है, शादी तो मैं तुमसे करूँगा, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो, ऐसा करें तो आपके लिए हर चीज़ अलाउ होता है। अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं सिर्फ फ़न मज़ा हर चीज़ चाह रहा हूँ, तो उस पर वो कहेंगी हाँ ये तुमने क्या बात कर दी है, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए हमें भाई। वो जो है ना आपने जो बात की ना, अगर तो वो किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी आसानी से हो गई ना, इकोनॉमिक्स का लॉ है सप्लाई एंड डिमांड,
अगर जो है ना बड़ी आसानी होगी ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हुकूमत छाप छाप के दे दे हमें नोट सबको 5-5 लाख रुपए की गड्डियाँ, क्या मसला है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह खवातीन की जो जाहिर है उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो इसी पे है कि जी अगर उन्होंने बिल्कुल ही ओपन होना शुरू कर दिया तो आपने सबसे पहले लेबल लगाना है उस पर SLUT का, और आपने चार दोस्तों को भी नंबर देना कि तू भी ट्राई मार, तू भी ट्राई मार, बुध को तू जा, जुमेरात को मैं जाता हूँ। तो वो कोई भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर ये वाला लेबल लगे, कोई भी अपने आप को डी वैल्यू नहीं कराना चाहेगा इस तरह। और आप लोग जो है ना फिर फौरन जो है ना फिर तस्वीरें इधर उधर बांट दे दो, नंबर शंबर बांट दे दो। शादी की बात हो रही है तो शादी में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मनी, पैसे। अच्छा। तो इसके अराउंड क्या मिथ्स बनाई हुई है हम लोगों ने पैसों के अराउंड के पैसे से खुशी खरीदी जा सकती से है। देखो सबसे बड़ा धोखा जो दिया गया है ना लोगों को, देखे कोई भी नहीं चाहता कि अगर आप एक सर्टन क्लब में हो आप नहीं चाहते वहां रश लगे। हर इंसान चाहता है एक्सक्लूसिविटी कि मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हों। अब जैसे हमारे गोल्फ क्लब्स हैं, फलाना है ढिमकाना है, वो एलीट्स के लिए हैं। अगर वहाँ जी शादरा से भी लोग आने लग जाएं तो उसने तो मंटू पार्क बन जाना है। तो वो एक रखना है ना, तो हर एवरीवन इज नॉट वेलकम, सिर्फ सेलेक्टेड मेरे टाइप के लोग। तो इसी तरह अमीरों ने ना जरा धोखा दिया हुआ है, ये प्रोपोगेट किया हुआ है गरीबों के कि जी अमीरों को तो डिप्रेशन की बीमारी होती है, उनके तो बाथरूम में इतनी साबुन शैम्पू नहीं होती जितनी गोलियां होती हैं, जेनेक्स आदि तोड़ के यहाँ से फिर लेक्सोटेनॉल इधर, वो तो पूरा मिक्सचर बना के पीते हैं, वो खुश ही नहीं होते। मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। वो गरीब कहते अच्छा ऐसा है, चल ठीक है मैं इधर ही सही हूँ, क्योंकि उसको भाई अगर सारे ही अमीर हो गए तो उसका गटर किसने साफ करना है, उसका कूड़ा किसने चुकना है, उसके ड्राइवर कौन बनेगा, उसके घर की सफाई कौन करेगा। तो वो कहते नहीं 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 हम लोग तो बड़े परेशान है, बड़े डिप्रेशन, और ये फैलाई हुई है बात, डराया हुआ है कि वो अमीर बनना तो बड़ा सबसे बड़ा अजाब है, क्योंकि जी पैसे की फिर सेफ्टी कौन करेगा, छड्डो छड्डो जी हमें नहीं करनी, हम ये चार पांडे हैं यही सही है हमारे। तो वो मिथ बनाई हुई है पैसे की। अच्छा इंडियन ह्यूमर पार्टी से मुझे याद आया कि पार्टी हो रही है इंडिया में सबने किया, हमारा ह्यूमर मतलब हम उनसे तादाद में इतने कम हैं लेकिन हमारा ह्यूमर हमें तो ये लगता है कि उनसे बेहतर है, और बल्कि यहाँ के कॉमेडियंस वहाँ पे जाके उनके शोज चलाते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडियन लाफ्टर चैलेंज खड़ा ही सिकंदर सनम मरहूम साहब और शकील सिद्दीकी पे था, फिर जब वहाँ पे मसले मसाइल हुए तो वो शो ही बंद हो गया। इसी तरह कपिल शर्मा शो, नसीम विकी, यार वही जुगते होती हैं, हमने तो देखे हैं ना पंजाबी ड्रामे। और यहाँ पे ना वो आप ऐसी ऐसी चीज को जब कैरेक्टर दे देते हैं ना ये जुगत वाले, कि तेरा ठंडी स्त्री वर्गा मुंह है, मतलब स्त्री वर्गा मुंह इज नॉट इनफ, ठंडी हाँ। मतलब कि एक स्त्री जो है उसकी एक ही यूटिलिटी है, और अगर वो गर्म होती है तो वो तभी काम की, तभी, और तू वो भी नहीं है। और एक मैंने सुना था चुड़ैल के नेल कटर के मुंह वाले, चुड़ैलों के तो वैसे ही नाखून होते हैं तो नाखून तो वो नहीं काटती, तो यानी अगेन नेल कटर है यूज में नहीं है, तू इतना यूजलेस है कि पहले तो उसका नेल कटर है बट शी इज नॉट इवन लाइक, तुझे इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दे रही कि तुझे यूज करे। और यहाँ पे ऐसा ऐसा एक तो है ना कि एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट वो तो कमानुल्लाह और पता नहीं क्या क्या किंग्स यहाँ पे आए हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दे। मैं शोज देखता हूँ जिसमें रैंडम एक रिपोर्टर चला जाता है और लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे और उनको कहते हैं झुकते करो, और उसमें ऐसा ऐसा फनकार भाई कि वो मतलब एक गया है फार्मेसी पे और उसने कहा है लड़कों को कि फार्मेसी से रिलेटेड झुकते करनी है, डॉक्टर फार्मेसी, उन्होंने क्या नहर च नान गया डूब गया, उन्होंने कहा क्यों, कहना बेटनोवेट द ट्यूब लै गया, कहना ए डॉक्टर होंदा सी ते जदों अजान होनी ते इन्हें स्टेथोस्कोप उत्ते कर लेना। कैसे कर लेती, सोचते कैसे, ये आती कहां से है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमारे मुल्क में चार मौसम है पता नहीं क्यों, कहने वाले कहते हैं 12 भी है लेकिन चले चार, चले चार मान लेते हैं लोगों की बात के, चार मौसम है, तो आपको कौन सा पसंद है। मुझे ना सर्दी ज्यादा पसंद है, उसकी वजह ये है कि पामे जितनी सर्दी बढ़ती रहे मैं लेयर पे लेयर चढ़ा सकता हूँ, मगर गर्मी में एक पॉइंट के बाद आप रुक जाते हो, फिर आप खाल नहीं उतार सकते। और हमारी वो वाली बॉडी है नहीं कि हमें दिखाते हुए भी अच्छा लगे, कोई डब्बे शब्बे बने हुए हों, कोई इधर से कट कोई इधर से कट, हमारा एक ही है राउंड, उसके अंदर हैं बहुत सारे कट, देख नहीं रहे हो। तो जैसे ऐब अल्लाह छुपाता है तो मेरे भी वो वाले ऐब छुपाए हुए। और बिल्कुल लड़कियों में ये वो अवाम है जिनने अपनी एक हैशटैग निकाल लिया है इंस्टाग्राम पे कि हैशटैग समर लुक, और ये वो लड़कियां हैं जो 6 बजे से पहले घर से नहीं निकलती। अच्छा आखिर मसाइल क्या हैं इनके, कि
गर्मियों में जॉगर्स पहन लेंगे, सर्दियों में नहीं पहनेंगे, क्योंकि गर्मियों में ना धूप से पांव खराब हो जाते हैं, तो जॉगर पहन लो। सर्दियों में तो अब वो दिखाने का टाइम आ गया पांव। ये मैं यही कहता हूँ कि ये सियाचिन से ना फौजी वापस बुला के ख्वातीन को भेज देना चाहिए। जिस तरह ये शादियों पे बगैर मतलब बाजू वाले कपड़ों के जाती हैं, इनको ठंड तो लगती नहीं। यार लाहौर की सर्दियाँ बड़ी खतरनाक है। और मैं अभी शादी सीजन में मैं जो देख रहा था दोस्तों को इंस्टा स्टोरीज पे इधर उधर, वो तो मतलब बिल्कुल ही साड़ी वाली, मतलब एक होती है वो जो इंडियन फिल्मों की इंडियन ड्रामों की साड़ियाँ होती हैं पूरी कवर्ड, नहीं जी ये वो बिल्कुल, मुझे इसका स्टाइल का नाम नहीं पता मगर उसमें दिखने का एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, इस सर्दी में मतलब आधा आधा पेट आपका बाहर, कैसे यार कैसे कंट्रोल, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल? असल में ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे कोयले पे चल लेते हैं, जैसे कोयले, मुझे फील ही नहीं करनी सर्दी और बेगैरती, जितनी फील करोगे उतनी लगेगी। गर्मियां क्योंकि आ चुकी हैं, तो नहाने के क्या मसाइल होते हैं? यार गर्मी के तो मसाइल नहाने के, गर्मियों में तो ये है कि एक तो इतना गर्म पानी आ रहा होता है जो हमें सर्दियों में चाहिए होता है, तब नहीं आ रहा होता। लेकिन सर्दियों में बड़े मसले हैं और हर क्लास के मसले हैं। जैसे कि अगर कोई अमीर आदमी है, उसके घर में शावर है, जबरदस्त रेनफॉल, भाई रेन फॉरेस्ट चार यहाँ से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, क्या सिस्टम है, मगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। अब सर्दियाँ हैं, सर्दी भी लग रही है, तो वो जी थोड़ा सा मतलब शुरू के 10 मिनट वन अभी मैं छम्मक छल्लो, टेम्परेचर ही ऑप्टिमम ढूंढ रहे हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का है, ठीक है उसका मसला ये। फिर आ जाए उससे थोड़ी सी नीचे क्लास में जिसमें गीजर तो है मगर ये कि शावर चल नहीं रहा, जैसे कि मेरा फ्लैट है, अब चूंकि साथ ही टंकी है तो शावर में प्रेशर ही नहीं आना, तो वो सिर्फ लुक के लिए लगा हुआ है, काम बाल्टी में ही करना है। बाल्टी से नहाने में एक और भी प्रॉब्लम है। हाँ। वो ये है कि अगर आप खड़े होके कर रहे हैं तो कमर दुखेगी, अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो अब वो पटों में जान ही नहीं रही। हाँ। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। फिर जो है उसका एक इलाज है, चौकी। हाँ नहीं वो चौकड़ी कहते हैं हम यहाँ पे, शायद चौकी कहते हो, हम हर चीज छोटी कर लेते, हर चीज छोटी कर लेते, पैन। वो एक दोस्त ने बताया, मैं पंजाबी मसल, वो कह रहा है यार पंजाबी बड़े लेजी हैं, फिर हर चीज पैसे पै भाई जाने पैन लेजी, बोलने में भी लेजी। उसको कहते हैं यार इस रीजन ने तरक्की इसलिए नहीं की किन्नू खा के फेंको जी उठ गया 3 दिन बाद, ठीक है ना, कि एक आलू खा के दरख्त के नीचे लेट के पूरा दिन गुजर गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर है जी, 100 एकड़ है जी, इतना ही आलू निकल गया, कुछ करना ही नहीं, वो लेट के खा रहे हैं उबाल का उबला हुआ आलू, तो वो लेजी कर दिया एग्रीकल्चर ने। हाँ। हरारी साहब भी यही कहते हैं कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा धोखा इंसानों के साथ, फंस के बैठ गए तो जंगे भी होनी है क्योंकि उसकी फसल नहीं आई तो तुम्हारी लूटने का, तुमने आर्मी बनाई, किले बनाए, शहर बनाए, गेम ही उगड़े। फिर उससे और नीचे लेवल पे आ जाए जहाँ गीजर ही नहीं है, उन्होंने चूल्हे पे गर्म करना है, तो फिर वो एक जलालत, फिर उसको उठा के लाना है, और लाना भी किससे, गंदे कपड़े से। अच्छा ये भी हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है यार, फलानी चीज़ गंदी वो साफ कर दो, अच्छा गंदा कपड़ा लाओ, अरे साफ करिए तो गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो, साफ कपड़े से साफ करो, हर घर में गंदा कपड़ा, गाड़ी साफ करनी गंदा कपड़ा लाओ, वो साफ कपड़ा लाओ भाई, गाड़ी पहली गंदी है तो और गंदा कपड़ा मलवा रहा है, अजीब हमारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर जो ना इस तरह लेकर आने, जैसे आप मेहंदी लेके जा रहे हैं किसी की मॉडल टाउन में, पैरों में बंधन है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो गिर ना जाए वो, गिर गया तो फिर जो है ना आपकी स्किन जल जानी है, फिर आपने जाना है जी चमड़ा अस्पताल सदर में कराची में, जहाँ पे फोड़े से लेके हल्की सी मतलब खराश से लेके कैंसर के फोड़े तक का एक ही इलाज है, वो है सल्फर की गंधक। फिर उसके बाद एक आखिरी आयत है, आई थिंक लाहौर का ही मसला नहीं कराची का, जहाँ पानी ही नहीं है। तो नहाना इज अ लग्जरी, हफ्ते में एक बार नहाते हैं या दो बार नहाते हैं, तो उसकी तो लाइफ बेचारों की वैसी, अब ठंडा हो या गर्म हो भाई पानी हो, यही बहुत बड़ी नेमत है। बड़े मसले हैं लोगों के नहाने के। जुनेद इतना अच्छा परफॉर्म किया तुमने आज कि मैं तुम्हें नवाजना चाहता हूँ। शरीयत इनको हम पहले दे चुके हैं, आज इनके लिए एक सरप्राइज है। इसका मुझे भी नहीं पता। शरीयत कॉमेडी सिटी की तुम्हारे पास पहले से थी, ये हम देने जा रहे हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। वाह। पूरी दुनिया में कोई भी जुर्म करो कॉमेडी सिटी के कन्वेंशन की रूह के मुताबिक तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। क्या बात है। यहाँ आके पनाह ले लो जब मर्जी। हाँ। वाह। तुम्हें किसी लड़की के भाई मारेंगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। पुलिस हाथ नहीं लगा सकते। क्या मार्स पे चाइना कटिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। ये जो इम्यूनिटी है ये सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि कायनात। वाह। यूनिवर्सल इम्यूनिटी। हाँ। वाह। तो अब जरा अपनी जुबान में खली वली करके इनको बता दो कि इन्होंने क्या करना है। अवाम ने
अवाम ने आपने ये करना है क्योंकि अब मेरे पास जो इम्यूनिटी है ना, इसके बाद फिर मैंने बड़ा गेम कर देना। तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, अगर नहीं किया तो दोबारा करें, लाइक करें, शेयर करें, मामू ताए चाचे सबको भेजें, व्हाट्सएप पे भेज दें, क्योंकि वो व्हाट्सएप वो उनका बड़ा बड़ा होता है, फॉन्ट बड़े होते हैं, चश्मा यूं करके देखता, अच्छा ये क्या है, तो उनको आपने ज़रूर भेजना है। वरना इस इम्यूनिटी का ना मैंने अगर गलत इस्तेमाल कर लिया फिर आपने जो है ना शिकायत नहीं करनी, खली वली हो जाएगा सब कुछ। इसी नोट पर आपको जुनेद अकरम, ऋषम फैज भुट्टा और अली आफताब सईद बर्जर पेंट्स के कॉमेडी सिटी से कहते हैं रब राखा। अब होता है कि लड़के तो यूं करके शरवान का दो बटन खोला ठक चेंज हो गया। लड़कियों का ही होता है, वो ब्यूटी पार्लर वाले ना कलोड़ों पीने लगा के देते हैं, और पूरी रात पीने निकालते हैं, एक दो तीन तीन चार पीने बाद आपको डर भी लग रहा है कि बेगम उधड़ के गिर ना जाए। बिखर गई बेगम, आप समेट रहो यार, आप अपनी बेगम खुद बनानी है। चट कर रहे हैं बेगम को यार, अरे ये तो उल्टा सीधे पे लगा दिया मैंने, बेगम निकाल दे।